अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की नवनियुक्त इकाई ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार के सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा जाहिर की है। हमीरपुर में महासंघ के जिला अध्यक्ष अरविंद मोडगिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अच्छे संबंध है तथा अगले 6 महीने तक सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में नजर रखने के बाद ही महासंघ किसी नतीजे पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेंशन स्कीम के संदर्भ में दिए गए बयान पर महासंघ को खेद पहुंचा है, लेकिन फिर भी महासंघ एक बार पुनः मुख्यमंत्री से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि महासंघ 4/9/14 की अपनी मांगों को 2009 से लागू करवाने, पेंशन स्कीम की पुरानी पद्धति को बहाल करने तथा आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने जैसी मांगों को लेकर शीघ्र ही सरकार से मिलेगा और मांगों को मनवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने समस्त कर्मचारियों से एकजुट होने का आह्वान भी किया। कर्मचारी महासंघ जिला हमीरपुर के चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए और उसमें कर्मचारियों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो मैं सभी कर्मचारियों का, कर्मचारी नेताओं का और प्रेस का तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है वो इसमें सहयोग किया और बड़ी संख्या में जो है वो लोग इसमें आए। मुख्य डिमांड जो है जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है, उसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारी जो है हमें उनके लिए एक पॉलिसी बनाना, 4/9/14 की विसंगति को दूर करना, ऐसी जो भी इसके अलावा और भी जो कर्मचारियों के बर्निंग मुद्दे हैं जो हमारे पास आएंगे हम उनको सरकार के समक्ष उठाएंगे और हमारे सरकार के साथ मधुर संबंध है, हमें आशा है कि हम जो हैं इनको जरूर हल करवाएंगे और एक अच्छे माहौल में जिसमें सबको फायदा हो उसमें इसको हल करवाएंगे। आशाजनक है, मैंने पहले भी कहा था कि जो मुख्यमंत्री जी का बयान है इससे कर्मचारियों को निराशा हुई है और हम उनसे अपील करेंगे कि वो इसके बारे में पुनर्विचार करें। महासंघ जो है इस मुद्दे को फिर उठाएगा कि इसके ऊपर जो है इसके ऊपर पुनर्विचार करें ताकि कर्मचारियों को जस्टिस मिल सके। ये जो संघर्ष समिति है ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो महासंघ को जो है महासंघ के नाम का मिसयूज कर रहे हैं, तो मैं पहले तो जिला के सारे कर्मचारियों को अपील करूंगा कि इनके बहकावे में ना आए और मैं इनके नेताओं को भी अपील करूंगा कि वो मुख्यधारा में आए, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, उनको बैठ के जो है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वो जहां चाहेंगे उनके जो है उनके साथ बात करके उनको समायोजित किया जाएगा और कर्मचारी जो है वो किसी तरह के बहकावे में ना आए। यहाँ के जिला हमीरपुर के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव हो चुके हैं और सबने देखा है और बड़े अच्छे तरीके से हुए हैं, तो साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि भगवान जो है वो जो संघर्ष समिति के कुछ लोग हैं उनको सद्बुद्धि दे ताकि वो मुख्य धारा में आए।